नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। मेरे पास है रेडमी की तरफ से लॉन्च किया गया रेडमी गो स्मार्टफोन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये डिवाइस अब चल रहा है एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स, जो है आपका एंड्रॉइड ओरियो गो एडिशन। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना अलग अलग ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेट कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस के आइकॉन को आप अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद आप जाओ यहाँ पर मोड पे। जाने के बाद यहाँ पर आपका कस्टमाइज लेआउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, आइकॉन पैक आप 4, 5 या 3 में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका जो साइज है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आपको जैसा भी पसंद है वैसे आप उसको करके रख सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल एकदम आपको बेसिक नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। अगर आप चाहे तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाकर कोई भी अगर ऑप्शन को आपको ऐड करना है नीचे से सिंपल आप ऊपर लेके, ये सभी ऑप्शन को अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और सभी ऑप्शन को अगर आप चाहे तो ऊपर रख सकते हैं। तो यहां पर आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर सब एप्लीकेशन अगर आप चाहे तो तब उसको रख सकते हैं। तो मैंने जैसे सब एप्लीकेशन रख दिया, यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो 3 पेज हो गया और यहां पर आपका सभी आइकॉन आ गया है। यहां पर बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल में बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे आने के बाद यहां पर जैसे आपका शो कर रहा है। तो अगर बाय डिफॉल्ट चाहते हो उसको शो करवाना, सेटिंग्स के अंदर बैटरी में जाओ, यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। तब जैसे आप देख पा रहे हो, अब जब चाहो हर टाइम अपना अपना बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। इस डिवाइस में आपको बाय डिफॉल्ट क्लीनर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सभी जंक फाइल्स या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से क्लीन हो जाता है और आप फोन को और भी अच्छे से ऑप्टोमाइज कर देता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। सो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल है। जो लोग एफएम रेडियो सुनना पसंद करते हैं, यहाँ पर आपको एफएम रेडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, हेडसेट लगा के आप एफएम रेडियो सुन सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको एफएम रेडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप टू वेक अप वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। खाली यही नहीं, डिस्प्ले में आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, उसके लिए आप जाओ सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाओ डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, नाइट मोड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप रात में थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तब उसका इंटेंसिटी आप चेंज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट मोड, तो आंखों में आपका प्रेशर नहीं आएगा। एडवांस में जाओ, एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एम्बियंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। इसको एनेबल करने के बाद लाइक जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपका वो नोटिफिकेशन शो करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी इस डिवाइस में अवेलेबल है। और जैसे मैंने बताया, डबल टैप टू वेक अप ऑप्शन नीचे यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद डबल टैप से आप अपने डिस्प्ले को वेक कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको वाईफाई हॉटस्पॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जितना चेक किया, यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप चाहे तो अपना स्क्रीन को शेयर करना, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग या फिर स्क्रीन मिररिंग या फिर मिराकास्ट, ये ऑप्शन इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है आइकॉन पैक का ऑप्शन। सिंपली अगर आप चाहे तो आइकॉन पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद मोर पे जाओ, यहाँ पर आपका आइकॉन पैक जो सिस्टम है, जैसे यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट है। अगर आप चाहे तो सिंपली एड मोर करके आप प्ले स्टोर से आइकॉन पैक को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे यहाँ पर अलग अलग आइकॉन पैक्स हैं, तो अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से आइकॉन पैक को इंस्टॉल करके वो सब आइकॉन डिजाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3D टच का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी एप्लीकेशन में जो प्रेस एंड होल्ड करो तो उसके अंदर आप बहुत कुछ ऑप्शन एक्सेस कर पाएंगे विदाउट ओपनिंग दैट एप्लीकेशन। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत कुछ आप कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग दैट एप्लीकेशन। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन में ये सपोर्ट करता है, सब एप्लीकेशन में शायद ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये वाला फीचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस डिवाइस में आपका मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इस डिवाइस में आपको सभी सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, खाली आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और स्टेप काउंटर देखने को मिलता है। बाकी कोई भी सेंसर इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। चलिए थोड़ा बहुत कॉल सेटिंग्स देख लेते हैं। डायरेक्ट डायलर में जाते हैं, ऊपर यहाँ पर दबा के आप जा सकते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले ऑप्शन, एक डार्क थीम आपको मिलता है, डार्क थीम को आप चेंज कर सकते हैं। अगर व्हाइट थीम पसंद नहीं है, डार्क थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए नीचे, यहाँ पर आपके ब्लॉक नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप चाहे तो कोई भी नंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिस नंबर से कॉल या SMS आपके पास नहीं आएगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक रेस्पॉन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे, क्विक एक रेस्पॉन्स चला जाएगा, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी मुझे अभी तक नहीं मिला। आई थिंक ये ऑप्शन इस डिवाइस में आपका अवेलेबल नहीं है। इस डिवाइस में आपका गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। सिंपली आपको होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। दे लॉस्ट चेन्नई सुपर किंग्स बाय 7 विकेट्स। तो जैसे आपने देखा, इस टाइप से आप गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं, सिंपली पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो दोस्तों जैसे आपने देखा ये था कुछ बेसिक फीचर्स एंड हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ रेडमी को। हालांकि ज़्यादा कुछ तो इस डिवाइस में दिखाने लायक है नहीं, फिर भी कुछ कुछ चीज़ मुझे मिला जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करो। आप बताओ अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है डू राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एस आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम साइड डेडा 15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेडा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।